Boston. बाबूजी, आपके सामने कृष्णा म्यूजिक एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम गायक कलाकार राजू जाहिल ओम बिरहा एवं लोकगीत पार्टी माधोपुर सदनगंज की सरजमी से सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे बगल में बैठे बिरहा जगत के बहुत ही बड़े वरिष्ठ कलाकार हारमोनियम वादक श्री राम सूरत यादव पपीहा कवि जी और साथ में ढोलक पर हमारा साथ दे रहे बड़े भैया निरंजन लाल प्रजापति जी और कोरस पे साथ में हैं इधर टिंटू दीवाना जी और इधर पप्पू मस्ताना जी। बाबूजी, ये जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है कृष्णा म्यूजिक इंटरटेन के माध्यम से, इसका शीर्षक होगा कलयुग का आगमन। बाबूजी, दो लाइन के सर लगा मास्टर। द्वापर युग हुआ आखीर, भय का कलयुग माया का पीर, तय अर्जुन वीर चले बगिया में तोड़न फूल। बाबूजी, द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और इधर धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कुछ वार्तालाप कहते हैं। चार लाइन की भूमिका लगी मास्टर। द्वापर का अंत जब हो गया साथियों, कलयुग गुलशन में गुल को खिलाने लगा, फूल को तोड़ने पार्थ वन में चले, मधुकर गुनगुना गीत गाने लगा, धर्म पे पाप का जब बसेरा हुआ, अचरज की बात कर घात आने लगी, लिखते लिखते शंकर कवि अब सिसकती कलम, बात की बात सुन मुस्कुराने लगी। बाबूजी, बड़ा सुंदर भाव तर्ज लगा मास्टर। कौनो लड़की के कौनो लड़किया से आपस में बड़ा तान मेल रहा है। और लड़कवा एक दिन फोन करके बतला था कैसे कि अरे इतना दिन हो गया कब मुलाकात नहीं भाई, कब मुलाकात होई, अरे आ जा तू तो कुछ मेल भाव के बात हुई जा। बाबूजी तर्जिया बड़ी पुरान बा और दादा पंधारी और गुरु स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी गाते थे। कैसे लड़कवा लड़किया से कहा था,
अरे आई जाई बुरतिया तो होई जाई बतिया, 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 छतिया से छतिया मिलाई बुकिना, गोरी गोदी में बेटौआ खेलाई बुकिना, गोरी गोदी में बेटौआ ओरिजिनल मास्टर, लेकिन यही तर्ज में कहना बा, लई बसु मनावा तो कर बै पूजनवा, लई बसु मनावा तो कर बै पूजनवा, लई बसु मनावा तो कर बै पूजनवा, हां लई बसु मनावा तो कर बै पूजनवा, मनावा के मन सा पूरा वायर जुन, पूरा वायर जुन, पूरा वायर जुन, धर्मराज कहे फूला वाली आवा यार जुन, धर्मराज कहे फूला वाली आवा यार जुन, बाबूजी, बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को अपने पास बुलाए और बोले, भैया अर्जुन जा करके बाग से फूल लाइए, हमें देव आदि देव महादेव की पूजा करना है। तो वही भैया की बात मानकर अर्जुन भैया चले जाते हैं बगिया की तरफ। कैसे मास्टर? पार्थ बीराना के बात स्वीकार कईले, पार्थ बीराना के बात स्वीकार कईले, पार्थ बीराना के बात स्वीकार कईले, पुष्प लेवे बदे बगिया मझार गईले, पुष्प लेवे बरे बगिया मझार गईले, पुष्प लेवे बरे बगिया मझार गईले, हाँ देखे अचरा जवा पाउर भामी जा जवा, देखे अचरा जवा चरा जवा पाउर भामी जा जवा, कोई अंदा जवा न पावा अर्जुन, न पावा अर्जुन, न पावा अर्जुन, धर्मराज कहे फूला वाली आवा यार, धर्मराज कहे फूला वाली आवा यार, धर्मराज कहे फूला वाली, अरे जिया मास्टर। बाबूजी, इधर अर्जुन बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर की बात को मानकर बगिया की तरफ फूल तोड़ने के लिए चलते हैं। चलते चलते जब कुछ दूर पहुंच गए तो तर्जिया बदल गया मास्टर। बड़ा पुरान तर्जबा बाबूजी, बाबुल का ये घर बहना फिल्म दाता से, तर्जिया ऐसे बा, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन, बन कर दुल्हन एक दिन, तुझे पिया घर जाना है,
बाबूजी इसी तर्ज में कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कैसे? तोड़ने को फूल अर्जुन, तोड़ने को फूल अर्जुन, बागों में जाते हैं। तोड़ने को फूल अर्जुन, बागों में तो जाते हैं। तोड़ने को फूल अर्जुन, बागों में जाते हैं। तोड़ने को फूल अर्जुन, बागों में जाते हैं। लखा पांच कुआं सुंदर, लखा लखा पांच कुआं सुंदर, सामने जब आते हैं। लखा पांच कुआं बाबूजी, जब कुछ दूर चलकर अर्जुन बाग में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पांच कुआं बड़ी शोभा निराली है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। होता क्या है मास्टर? है कुआं पांच गुलशन में, है कुआं शोभा है अजब निराली, शोभा है अजब निराली, बहता पानी था कुआं बीच का खाली। चारों में बहता पानी पर कुआं बीच का खाली, चारों में बहता पानी पर कुआं बीच का खाली। जब कुआं बीच का बहता, जब कुआं बीच का बहता, जब कुआं बीच का बहता, जब कुआं बीच का बहता वो चारों भर जाते। जब कुआं बीच का बहता हैरत में, कुछ बात समझ ना पाते, वापस हो गए अचानक, वापस हो गए अचानक, वापस हो गए अचानक, जा धर्मराज से बोले, जा धर्मराज से बोले, जा धर्मराज से बोले, ऐसा एक लखा या चंभा भ्राता भर की है सोले। ऐसा एक लखा चंभा भ्राता भर की है सोले। बाबूजी जरा बात को गौर से समझ लीजिए। इधर भैया युधिष्ठिर की बात को मानकर अर्जुन बाग में जब फूल लेने गए तो पांच कुआं देखा। जब वहां पांच कुआं देखे तो बड़ी अचंभे की बात इनको समझ में आई, चार कुआं बगल और एक कुआं बीच में। अब जब बीच का कुआं से पानी निकलता तो चारों एकदम लबालब भर जाते, लेकिन बाबूजी जब वही चारों कुआं बीच के कुआं में पानी डालते उनसे बह के आता, लेकिन वो कुआं खाली रहता, बाबूजी पानी नहीं भर पाता था। यही बात को देख करके अर्जुन बड़ा अचंभित हुए और फूल लेना भूल गए, फूल लेना भूल गए। इधर सोचे कि चल करके भैया से इस राज की बात को पूछते हैं। बाबूजी द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है,
और कलयुग का आगमन होने वाला है। और कहना क्या है मास्टर, तर्जिया बड़ी पुरान बा। हाय बन बन बसिया बजावल हो मन मोहन रसिया, बन बन बसिया बजावल हो मन मोहन रसिया, बन बन बसिया बजावल हो मन मोहन, मन मोहन रसिया मन मोहन रे मन मोहन रसिया मन मोहन, बन बन बसिया बजावल हो मन मोहन रसिया, बन बन बसिया बजावल हो मन मोहन रसिया। बाबूजी इधर जब अर्जुन आए भैया युधिष्ठिर से पूरी बात बताए तो बोले अर्जुन बैठो बैठो। इधर भीम को इशारा किए कि भीम भैया आप जाओ फूल लेकर आओ, पहले पूजा कर लूं उसके बाद अर्जुन की शंका का समाधान करूंगा। तो इधर यही तर्जिया में मास्टर हो थका। हाय हाय भीम के ओ सारी लगाए न हो कल कल युग पसारा, भीम के ओ सारी लगाए न हो कल कल युग पसारा, भीम के ओ सारी लगाए न हो कल कल आ कल कल युग पसारे कल कल ओ कल कल युग पसारे कल कल, भीम के ओ सारी लगाए न हो कल कल युग, भीम के ओ सारी लगाए न हो कल कल युग पसारे। बाबूजी इधर जब भीम को बुलाए अर्जुन पूरब की तरफ गए थे फूल लाने, लेकिन इधर भीम को पश्चिम की तरफ भेजते हैं और कहना है मास्टर चल भीम सेन दिशा पश्चिम की ओरी, चल भीम सेन दिशा पश्चिम की ओरी, चल भीम सेन दिशा पश्चिम की ओरी, रहल बियान एक ठु गैया के लोरी, रहल बियान एक गैया के लोरी, रहल बियान एक गैया के लोरी, हाँ ओकरे हाय हाय ओकरे नगीच जब आए न हो कल कल युग पसारा, ओकरे नगीच जब आए न हो कल कल युग पसारा, बाबूजी इधर जब कुछ दूर पश्चिम की तरफ भीम चले तो देखा कि एक गैया बछिया बियानी है और देख करके बड़ा अचंभा हुआ। क्या देखे बाबूजी अगले पंक्ति में कहना बा, बिटिया के दूधवा पियत महतारी, बिटिया के दूधवा पियत महतारी, बिटिया के दूधवा पियत महतारी, देखा भीम सेन कुंवर कुंती हजारी, देखा भीम सेन ये कुंती हजारी, देखा भीम सेन ये कुंती हजारी, हाँ भेदवा हाय हाय भेदवा समझ नहीं पाए न हो कल कल युग पसारा, समझ नहीं पाए न हो कल कल युग पसारा, भेदवा समझ नहीं पाए हो कल कल युग पसारा, अरे जिया पप्पू गढ़वा बाबूजी फूल लेने गए हैं भीम। और जब इस घटना को देखे कि गाय के दूध आदमी जाना था पूरा पूरा कि बछिया पिया था, लेकिन इधर उल्टा रहा बाबूजी कि इधर बछिया के दूध गैया पिया दिव्या। और यह देख के भीम बड़ा चक्कर में पड़ गए। जब चक्कर में पड़ गए बाबूजी सिट्टी सपाटी सब गुल और फूल ले भूल गए। जब फूल ले भूल गए कहे नब का करी, चल थे भैया से पूछब कि एकर का राज बा, ई काहे उल्टा भवा। वहे फूल ले भूलेन इधर भैया की तरफ आओ अधी कैसे मास्टर, आए धर्म राज से बताए सारी बतिया, आए धर्म राज से बताए सारी बतिया, आए धर्म राज से बताए सारी बतिया, गैया बछियो के कुल कर मतिया, गैया बछिया वके कुल कर मतिया, गैया बछिया वके कुल कर मतिया,
हाँ धर्मराज हाय हाय धर्मराज नकुल के बुलावाई हो कल कल पता जय हो प्रयागराज की सरजमी बाबूजी। इधर जब भीमसेन आए भैया धर्मराज युधिष्ठिर के पास और पूरी बात बताया उनको कि इधर हम हमेशा देखते आए हैं कि जो है बछिया गाय की दूध पियत है, लेकिन बाबूजी उल्टा देखें हाँ कि बछिया के दूध गैया पियत रही। पूरा वृत्तांत इधर जब युधिष्ठिर के बताए कहें भैया भीम तुहू बैठा बैठा और अर्जुन बैठे हैं इधर नकुल के इशारा करत ही बाबूजी कहें पहले पूजा हो जाई तब तोहरे लोग के प्रश्न के उत्तर देवे। वह हो थका मास्टर पचरा के भाव लगा हाय हाय जेठ दुपहारिया धरा मावा की बेला माई मोर खेलाली शिकार हो बाबूजी। ये तो तर्ज रही लेकिन ही तर्ज में कहना बा कि नकुल भैया अब फूल ले जात हमें कैसे दक्षिण दिशा में गईले नकुल बिरानवा भैया के बात गाठिया हो बाबूजी भैया की बात को मानकर नकुल दक्षिण की दिशा में चल पड़े और चलते चलते कुछ दूर जब पहुंचे तो होता क्या है हा चलते ही चला तथा कि गई ले चरा नवा उखिया का खेत एक दिखाई हो ना बाबूजी। जब कुछ दूर ये दक्षिण की दिशा में गए तो देखा क्या कि एक ऊख का खेत है औखिया बहुत बाढ़ गए रही बाबू बाढ़ गए रही और काटे के समय आ गया रहा तो देखा थी का हाँ एक गन्ना काट कर सबके खारिया नवा एक गन्ना काट कर सबके खारिया नवा माद्री लदंग घबराई हो बाबूजी। देखा इन्होंने कि किसान ने एक गन्ना काट दिया
वही गन्नवा जोन कटा रहा बाबूजी, वही गन्नवा पूरे खेत के गन्ना के काट के खरियाने लगाए दिए। बड़ा अचरज की बात नकुल भैया देखें, देख के भूल गए फूल लिया हुए नहु, सब कुछ भुलाई गए कि हम कथा बरे आई है आ इधर हो थका। आए माही माया पर बल लख के सोच लागे बीरना, माही माया पर बल लख के सोच लागे बीरना, चल के दे भाई भैया से बताई हो ना। बाबूजी इधर फूल लिया भाई भूल गए नकुल, अवायन सीधा भैया के चरणिये पे बहराई गए। कहन भैया कहन का हो नकुल, फूलवा कहां बा? कहन भैया अब का बताई, फूलवा ले तो गए लेकिन कुछ दूर जैसे बगिया रह गई वही अगवाई दिखाए एक ही उखी के पेड़। अब पूरा वो पेड़वा के किसान काट दे जब तो पूरे खेते के जोन बाटा उख एक का उख काट के ओका खरियाने लगाए दे। भैया ये बात हमारे समझ में नहीं आए, बताए देते फुलवा तो आई जाई। कहन का हो नकुल तू फंस गया? कहन बैठा बैठा इधर सहदेव के पारी लगाएं। कैसे मास्टर दोहा के भाव लगा? हाय सहदेव भेद जानई गईले उत्तर ओरिया, पहुंचे फुलवारिया माझार। उटावा पहाड़िया से पार होई गईले, पूछिया भयाला नहीं पार हो। बाबूजी जब सहदेव उत्तर की तरफ गए कुछ दूर फूल लाने के लिए, बगिया नजदीक ही थी लेकिन बगिया में जाए के पहले एगो अचंभा नहू देखें। देखा था का कि एक लदी लदान ऊंट, बाबूजी पूरी लदी है एकदम भार से एकदम युक्त बा, और ऊंट तो पार हो गई, ऊंट पार हो गया लेकिन पूछ होकर बेचारी के वही पहाड़ी में अटक गई। अब बेचारी ऐसे छटपटा दिया छटपटा दिया, निकलता ही नहीं बा, तो भूल लिया हो नहु भूल गए। आयन सोचन चली भैया पहले पूछी ये का बात यह है कि ऊंट तो निकल गए लेकिन पूंछ अटक गए। वह मास्टर भाव लगा कैसे? यह या मास्टर बड़ा अच्छा संकेत करें, पपिया कवि जी माने जाने बिरहा जगत के हारमोनियम वादक और कवि महोदय, हमारा सौभाग्य है बाबूजी कि आज आपके चरणों में रहकर ये वीडियो की रिकॉर्डिंग भैया बड़े भाई सीपी विश्वकर्मा जी कृष्णा म्यूजिक इंटरटेनमेंट के माध्यम से सभी श्रोता बंधुओं के बीच में ही जा रहा बा। लेकिन इधर कहना बा मास्टर, एक औरत इधर फागुन के समय रहा ओकर मरद जौन बा मास्टर परदेश रहा, और बिरहिन बेचारी एकदम तड़पत ब्या कि अब हमार पिया हमारे लगे आए जाए, सबके पिया सबके पास आए होली खेलत हैं लेकिन हमार पिया हमका छोड़ के बिसराए गए। यह तर्जिया बा मास्टर। अरे लगत फगुना जिया जरी गई ले हो मोरा
सजना सने ही आबी सरी गईले हो बाबूजी। ये तो तर्ज रहा, लेकिन यही तर्ज में कवि ने बहुत बढ़िया बात लिखी, कहना बा। अरे लख अचरजवा खटक गईले हो वही पा हरियाई में पूछी आया टक गई हो वही पा हरियाई में पूछी आया टक गई हो वही पा हरियाई में पूछी आया। जय हो प्रयागराज की धरती। बाबूजी देखें वही पहाड़ में जाए के पूछ अरे जीवा और हो थका माद्री माद्री सुवन लखी सोचे माया जालिया छल कैले बाड़े की कौनो छालिया छल कैले बाड़े की छल कैले बाड़े की कौनो छालिया कौन गलिया में आई के भा टक गईले हो वही पा हरियाई में पूछी आया टक गईले हो वही पा बाबूजी। इधर पूरा दास्तान आके भैया से कहते हैं कैसे आई के बिराना से बोले कोमल बानी के लीला भांति भांति से बखानी उड़ावा के लीला भांति भांति से बखानी उड़ावा के लीला भांति भांति से बखानी सुन कहानी सुन कहानी सबके माना वाला टक गईले हो हरियाई में पूछी आया टक गईले हो हरियाई में पूछी आया टक गईले हो हरियाई में पूछी आया टक गईले हो बा भैया निरंजन भैया बाबूजी। जब इधर सहदेव आए भैया युधिष्ठिर से बतलाए कि भैया ऐसे ऐसे हम घटना देखे कहन तुहू कहन का कहन फुलवा कहन भैया ऐसे मूड़ खजुआन कहन भैया फुलवा लिया हुए तो बिसरी गए और वह उंटिया के देखे पूरी लदी लदान रही और तो पार हो गए लेकिन पुछिया अटकी रही बेचारी निकरबे न भाई सोचे चले पहले भैया से पूछ ली कहन बैठा तुहू बैठा अब सब जने के प्रश्न के उत्तर हम दे थे कहन अर्जुन कहन हाँ भैया कहन आवा आगे आवा तोहका पहले बताऊ काहे बरे तू सबसे पहले गए भैया
पूरब के तरफ, टेरी के भाव लगा मास्टर। हाय हाय, सवाल का जवाब लीजिए, सवाल का जवाब लीजिए, तो कलयुग किया आगमन दो पर दिया हिसाब। सवाल का जवाब लीजिए, तो कलयुग किया आगमन दो पर बाबूजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। वह चौक के भाव लगा मास्टर कैसे। धर्मराज कहे सुनो धनंजय प्रश्न का उत्तर लीजिए आप। ये चार कुआ तो चार पुत्र है, बीच कुआ चारों का बाप। कलयुग में तो चार लाल ना पई है पिता के इज्जत ढा। हाँ एक बाप हो, एक बाप चारों बेटवन के, एक बाप चारों बेटवन के सेवा करता के तनीता। एक बाप चारों बेटवन के बाबूजी। इधर जब भैया युधिष्ठिर ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन ये कलयुग के निशानी बा, कलयुग के अब शुरुआत होई वाला बा, और ऐसा समय आई भैया कि एक बाप के अगर चार लड़कियां रही हैं और वो बाप चारों लड़का के पढ़ाई लिखाई के पूरा एकदम सक्षम बनाए दे, बड़वार कह दे, लेकिन जब वह बाप बुढ़ा हो जाए तो चार लड़कियां एक बाप के सेवा ना कर पाई। कहन ही कुआं वाली बात उहैया, कहन भैया धन्य है आप कि आपने पहले बता दिया कि ऐसा समय आने वाला है। कहना बा मास्टर। हाय यही है कलयुग की पहचान, अर्जुन लिए बात को मान। यही है कलयुग की पहचान, हाँ तो अर्जुन लिए बात को मान। सवाल का जवाब लीजिए, सवाल का जवाब लीजिए, तो आए भीमसेन बलवान भय बेताब। सवाल का जवाब लीजिए, बाबूजी कहें यही कलयुग की पहचान है। और इधर अर्जुन ने बात को मान लिया। जब अर्जुन बात को मान के बैठ गए तो इधर भीम भैया कहें, भैया अर्जुन के तो सबसे पहले बताए दिया, अब हमारो प्रश्नवा के उत्तरवा दे दिया। कहें बस अब तोहरे बारी बा मास्टर, कहें बस तोहरे बारी बा। सुना वो तर्ज लगा था कैसे। बड़ा पुरान तर्ज, आजा बाबा हरे गावत रहे कैसे, अरे
माई काहे की बिटिया नियरे बिया की बपही काहाई बड़ी दूर हो। तो तर्ज रहे लेकिन ही तर्ज में कहना बा कैसे। हाय हाय भैया युधिष्ठिर भीम के समझावत हैं कैसे। अरे उल्टा जमाना आई है बेटी के धाना खाई है चाला धारा मा जाई दूर हो। बाबूजी इधर युधिष्ठिर भीम भैया को बताते हैं कि ऐसा समय आएगा एक दिन कलयुग में कि बेटी का धन मां खाएगी। एक जमाना रहा बाबूजी कि जब जानोर होई के सियार और सियन्निया बिटिया के देश में पानी नहीं पियन लेकिन कलयुग आए और बिटिया के धन ढोई ढोई महतारी आए और कहा थी कहा आए, ऐसी कलयुग के काला कैसे के होई भाला चाला धारा मा जाई दूर हो। बाबूजी भैया के भीम के समझाएं कि ऐसे समय आई धर्म वरम कुछ न रह जाई कलयुग में लेकिन इधर कहना बा हाय भीम भी शांति पाए भैया न कुल आए। भीम भी शांति पाए भैया न कुल आए ओनहु सुनाए भरपूर हो। बाबूजी भीम को सांत्वना मिल गई उनके प्रश्न का उत्तर उधर मिल गया और इधर जब भीम बैठेन तो नकुल कहन भैया हम छोट है यही बड़े लागत बा कि हमका बाद में बताऊ ब्या। कहन नहीं जे जौने कर्म से आई बा वही कर्म से बताऊ कहना बा। मास्टर तर्जिया बदल गई हाय हाय अरे आया बसंत बहार झूला पड़ा कदम की डार सखी गावई कजरिया सावन में सखी गावई कजरिया सावन में सखी गावई कजरिया पड़ा बसंत बहार झूला पड़ा कदम के डार सखी गावई बाबूजी ये तो तर्ज रहे लेकिन ही तर्ज में
भैया युधिष्ठिर नकुल के समझावत ही कैसे? कैसे? अरे उपमा उखी के दे भैया नकुल करा हो चेत, ऐसन आई समैया कलयुग में ऐसन आई भैया नकुल अब चेत कैला द्वापर युग अब ना रह जाई कलयुग आवे वाला बा और समय कैसे आई सुना वही बतावा थी कैसे सगा भाई के भाई दे है दुश्मन बनाई सगा भाई के भाई दे है दुश्मन बनाई काट ले है गटैया कलयुग में काट ले है गटैया बाबूजी इधर ऊख का उदाहरण देकर भैया युधिष्ठिर नकुल को समझा रहे हैं कि ऐसा समय आएगा भैया ऐसा समय आएगा कि भाई भाई में फूट हो जाएगी लोग लड़ा देंगे एक भाई दूसरे भाई का गला काट डालेगा कहें और भैया का होई कहें और सुना हाय करी है आपस में फूट करी है आपस में फूट जाई संबंध टूट होई रोजई लड़ैया कलयुग में होई रोजई एक भाई से दूसरे भाई में पटरी ना खाई एक भाई दूसरे के देख हमेशा जलबई करी और कहना बा हाय 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 जा कालरा पलेट हाय जा कालरा पलेट नहीं जीवन के डेट अंग्रेजी दवैया कलयुग में अंग्रेजी दवैया बाबूजी ये वीडियो सीडी आप कृष्णा म्यूजिक एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपके बीच में जा रहा है और कहना है मास्टर इधर बताएं कि कलयुग में ऐसा समय आई कि बैदगी दवा से काम ना होए बहुत प्रकार के रोग दोष हो जाई डायबिटीज हो जाई शुगर हो जाई हार्ट अटैक होई बड़ा प्रतापी बात बा बाबूजी लेकिन समझाएं कि अंग्रेजी दवाई से काम चली डॉक्टर लिखी पर्चा 1000 रुपया फीस ले कैसे बाबूजी तर्जिया बदल गए इधर जब भैया नकुल समझ गए और बैठ गए तो अंतिम में सहदेव आवत ही और हो थका पहपटवा के भाव लगा मास्टर अरे फसी पूछबा ऊंट के काहे बोला बिरनाई अरे फसी पूछ ऊंट के बा काहे बोला बिरना भारी चिंता हमरे मनवा में होला बिरना भारी चिंता हमरे मनवा में होला भारी चिंता हमरे मनवा में होला बिरना भारी चिंता
सही सही राज कह के बिरन आज समझावा हो, सही सही सब बात कह के बिरन आज समझावा हो, पार शरीर हो गई भला क्यों भैया भरम मिटावा हो। अरे देर ना लावा हाली पोल खोला बिरना, अरे देर ना लावा हाली पोल खोला बिरना, भारी चिंता हमरे मनवा में होला बिरना, भारी चिंता हमरे मनवा में होला। बाबूजी इधर सहदेव कहें भैया अब हमारे संदेह के मिटावा, अब सबर नहीं होत बा, बतावा कि ऊंट वाली बात कैसे बा, कि ऊंट तो लदी लदान निकल गए पहाड़ से लेकिन पूछ हटकी बा। कहें बतावत है धीरज रखा, बतावत है तोहरे पारी बा। वह धर्मराज भैया कहा थी का, अरे धर्मराज कह लिया है कर्जा दिया न अब ही बाकी हो, अरे धर्मराज कह लिया है कर्जा दिया न अब ही बाकी हो, यही कारण से पूछ फसी कलयुग के यही चालाकी हो। अरे फाक ले है, फाक ले है दे है ना एक तोला बिरना, अरे फाक ले है दे है ना एक तोला बिरना, भारी चिंता हमरे मनवा में होला बिरना, भारी चिंता हमरे मनवा में होला बिरना, भारी चिंता हमरे कहन भैया अबे समझ में नहीं आए, कहन अबे समझ में नहीं आए, कहन एक समय ऐसे आई युधिष्ठिर समझावत हैं सहदेव के कि बाबूजी ऐसा एक समय आएगा कि एक साहूकार यदि एक गरीब आदमी को 5,000 रुपया कर्जा दे देगा तो ओकर ब्याजे भरत भरत बेचारा एकदम परेशान हो जाए। हाँ बाबूजी, और ब्याज अगर चुकता हो जाए तो मूर अबे पूरा बचे ले, यही या एकर रहस्य। कहन भैया बहुत अच्छी बात बताया, बहुत अच्छी बात बताया। कहन ठीक बा, मानत है कलयुग में ये सब होई, लेकिन ये बतावा कि कलयुग कितना दिन तक रही, ये कितना दिन तक ये जवान है अपन तांडव करी। कहन सुना बतावत है, वह बतावा थी कि कितना दिन तक कलयुग रही। प्रमाण मिला दोस्तों, हाय हाय 4,32,000 कलयुग का शासन चली है ही हो, 4,32,000 कलयुग के शासन चली है ही हो। अरे कबीर आसाराम जी लिखते इसके पहले दालना गली है ही हो, अरे सवाल का जवाब लीजिए, हाँ सवाल का जवाब लीजिए तो राजू जाहिल गाँव सुन लो जरा जनाब, सवाल का जवाब लीजिए, राजू जाहिल गाँव सुन लो जरा जनाब, सवाल का जवाब, बाबूजी इस तरीके से कहानी अपना अंतिम रूप लिया और कलयुग का आगमन नामक शीर्षक मैं गायक कलाकार राजू जाहिल अपने समस्त पार्टी के सहित आपके सामने प्रस्तुत हुआ। पूरा का पूरा विश्वास है बाबूजी कि आपके पूरा का पूरा सहयोग मिली, प्यार मिली, दुलार मिली, ताकि आगे हम बच्चन के बढ़ाई में बड़ा सहयोग हो। कहना बा हाय हाय आईना वही रहता है पिजड़े बदल जाते, आईना वही रहता है
वही रहता है, हिजड़े बदल जाते हैं, मानो वही रहता है।